हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ा। आपको याद होगा कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है और दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो रिजल्टेंट एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी। तो दोनों की इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का हम एडिशन करें उतनी टोटल एरर हमें मिल सकती है। ऐसे ही अगर दो क्वांटिटीज़ का हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो ही सेम ही चीज़ होगी कि टोटल एब्सोल्यूट एरर विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल एरर्स, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर दो क्वांटिटीज़ का अगर मल्टीप्लीकेशन दैट मीन्स प्रोडक्ट है या फिर कोशंट है तो इन दोनों के लिए भी सेम ही रूल है। क्या रूल था कि रिलेटिव एरर, जो टोटल रिलेटिव एरर होगी वो कितनी होगी, तो दोनों की इंडिविजुअल जो रिलेटिव एरर है उनका हम एडिशन करें उतनी टोटल मैक्सिमम एरर हमें मिल सकती है। और लास्ट वन क्या था कि अगर किसी का पावर हमें दिया है, सपोज ए रेस टू एक्स दिया है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू एक्स टाइम डेल्टा ए बाय ए। ओके, इतना आपको याद होगा। अब इसके रिलेटेड हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं तो हम उसकी बात करते हैं। देखिए, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पहले इलस्ट्रेशन जो है 2.8, द टेम्परेचर्स ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर, हमें यहाँ पर दो टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, दैट इज टी वन इज इक्वल टू 20 डिग्री प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और टी टू जो है वो हमें दिया है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देरिन। देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस भी चाहिए हमें और जो एरर है उसके बारे में भी हमें पूछा है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो T इज इक्वल टू हम लिखेंगे टी टू माइनस टी वन, ये ज़्यादा है ये कम है। ठीक है, तो आपको याद होगा हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 50 है उसमें से हम डायरेक्टली 20 जो है उसको माइनस कर सकते हैं, लेकिन अगर एरर की बात करें तो एरर का ऑलवेज क्या होगा, एडिशन ही होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फाइनल आंसर होगा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस, फाइनल आंसर हमारा ये बनेगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर एडिशन की बात करते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन की बात होती है तो ये आपको पता है यहाँ पर जो हम लिखते हैं दैट इज एब्सोल्यूट एरर, तो दोनों की एब्सोल्यूट एरर का हमें सम करना पड़ेगा उतनी टोटल उसमें एरर हमें मिल सकती है। तो ये हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यस, 2.9, द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, आपको पता होगा ओम्स लॉ है ये, वेर वी इज इक्वल टू, यहां पर हमें दिया है 100 प्लस और माइनस 5 वोल्ट एंड आई इज इक्वल टू दिया है 10 प्लस और माइनस 0.2 एम्पियर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर, हमें यहाँ पर परसेंटेज एरर चाहिए, दैट मीन्स डेल्टा आर बाय आर परसेंटेज में हमें चाहिए। ठीक है, देखिए पहली चीज़ क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर हमें एक रिलेशन दिया है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, ये रिलेशन हमें पता है तो उस पर से दोनों के बीच का अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो उसका रिलेशन हमें पता चलना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, फ्रॉम दैट वी कैन राइट डेल्टा R बाय R, अगर आप इसको परसेंटेज में डायरेक्टली लिख रहे हो तो इसका मतलब हुआ डेल्टा V बाय V प्लस लिख सकते हो डेल्टा I बाय I इन परसेंटेज, मतलब दोनों की ये जो परसेंटेज है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का एडिशन करोगे उतनी टोटल परसेंटेज एरर इसमें होगी आर में। ठीक है, अब इन दोनों के वैल्यूज़ हमें चाहिए और वो वहाँ पर हमें रखनी है। तो अब यहाँ देखिए, आप हमें जो क्वेश्चन दिया है इसमें ये वैल्यू ऑलवेज दी वी है और दिस इज डेल्टा वी, ऐसे ही इसको हम आई बोल सकते हैं और इसको डेल्टा आई। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि डेल्टा वी बाय वी, तो डेल्टा वी बाय वी इंटू मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं जैसे हमें परसेंटेज में डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो डेल्टा वी दैट इज़ 5 और वी की वैल्यू है 100 और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 5%, मतलब यहाँ पर वोल्टेज की जो परसेंटेज एरर है दैट इज़ 5%। ऐसे ही एंड अगर
करंट की बात करते हैं तो डेल्टा आई बाय आई हमें फाइंड करना है परसेंटेज में, तो डेल्टा आई दैट इज 0.2 और आई की वैल्यू है 10, ठीक है। और उसको भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, इसलिए तो 0 एंड 0 कैंसिल आउट और 0.2 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा 2%। तो अब हमें डेल्टा आई बाय आई एंड डेल्टा वी बाय वी ये परसेंटेज एरर दोनों ही पता है, तो ये दोनों यहाँ पर आप उसका एडिशन कर दो, दैट मीन्स 5% + 2%, तो हमारा आंसर मिल गया 7%। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस विल बी 7%, ठीक है। तो ये आपका इलस्ट्रेशन है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दैट इज 2.10। टू रेजिस्टर्स R1 इज इक्वल टू 100 प्लस और माइनस 3 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 200 प्लस और माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपको शायद पता होगा, 10th में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर रेजिस्टेंस जो होते हैं उनको आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो दोनों का सम करो, एडिशन करो, इतना टोटल रेजिस्टेंस मिलता है, मतलब R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। सेकेंड दिया है आपको कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पहले सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल, नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन, यूज़ द रिलेशन। आपको ऑलरेडी रिलेशन दिया हुआ है कि अगर सीरीज है तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1/R' इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, और उसमें जो एरर है रिलेटिव एरर उसका भी रिलेशन हमें दिया हुआ है। देखिए, डेल्टा R' / R' स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 / R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 / R2 स्क्वायर। इसकी हेल्प लेके हमें हमारा आंसर फाइंड करना है दोनों ही कॉम्बिनेशन में, सीरीज में भी आंसर चाहिए और जो है पैरेलल में भी आंसर चाहिए। तो पहले हम लिख लेते हैं, हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस है R1 इज इक्वल टू 100 प्लस और माइनस 3 ओम एंड R2 इज इक्वल टू है 200 प्लस और माइनस 4 ओम, ठीक है। पहले हमें कौन सा कॉम्बिनेशन दिया है फॉर सीरीज, देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो R इज इक्वल टू आप लिख सकते हो R1 + R2, R1 दैट मीन्स 100 प्लस और माइनस 3 एंड R2 दैट इज 200 प्लस और माइनस 4। आपको सिंपली पता है R1 + R2 दोनों जो वैल्यूज है ट्रू वैल्यूज उनका एडिशन दैट विल बी 300 और जो एरर है उसका एडिशन होगा 7, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। अब कौन सा कॉम्बिनेशन है, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें देखे, जैसे हमने यहाँ पर सीरीज में हमने जो आंसर लिखा उसमें क्या किया, रिजल्टेंट प्लस और माइनस जो एरर थी वो भी उसमें दिखाई है, तो यहाँ पर ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में भी हमें हमारा आंसर जो भी मिलेगा उसको ऐसे दो पार्ट में लिखना है, मतलब ट्रू वैल्यू भी लिखनी है और साथ साथ जो उसमें एरर है दोनों ही लिखनी है। सपोज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज 1/R' इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास 1/R1 + 1/R2। अगर आप LCM लेते हो दैट इज R1 R2, तो ऊपर आएगा R2 + R1। इसको आप उल्टा लो तो R' इज इक्वल टू रेसिप्रोकल उसका उल्टा, मतलब R1 R2 / क्या होगा R1 + R2। इसका मतलब ये हुआ R1 R2, मतलब ये R1 है आपको पता है दैट इज डेल्टा R1, ये R2 होगा, ये होगा डेल्टा R2, तो R1 × R2 दैट मीन्स 100 × 200 / 100 + 200 करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, नीचे 300 आएगा, 0 0 आप कट करोगे तो 200/3, मतलब 66 पॉइंट आपका आंसर समथिंग आना चाहिए, 67 पॉसिबली, या उसको 7 यहाँ पे लिया है, तो 66.7 ओम आपका आंसर मिल गया, ये जो है वो आपको ट्रू वैल्यू मिल गई, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें डेल्टा R' फाइंड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, रिलेशन दिया हुआ है ऑलरेडी, और वो क्या होता है, इसका जो है वो हम डिफ्रेंसिएशन करके वो जो इक्वेशन है वो फाइंड किया है, लेकिन आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली आपको दिया है डेल्टा R' / R' स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 / R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 / R2 स्क्वायर, ये हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, राइट।
अब हमें इसका यूज़ करना है डायरेक्टली। देखिए तो हमें डेल्टा आर डैश नहीं पता, वो हमें फाइंड करना है। आर डैश की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया, दैट इज 66.7। डेल्टा आर वन यहाँ से हो जाएगा 3 और आर वन है 100, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप 3/100 का स्क्वायर आएगा, प्लस डेल्टा आर टू दैट इज 4 और इसका स्क्वायर है 200 और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, अब सिर्फ ये सारी आपको कैलकुलेशन करनी है यहाँ से। तो यहाँ पर 3 है डिवाइडेड बाय, उसको आप डिवाइड करोगे 100 के स्क्वायर से, तो आपका आंसर आएगा 0.0003। ये आंसर क्या आएगा, 0.0001, राइट। 2 2 ज़ा 4, 4 and 4 कैंसल आउट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन गया। अब ये डेल्टा आर डैश बाय 66.7 का स्क्वायर है, इसका आंसर हुआ। तो डेल्टा आर डैश इज इक्वल टू ये 66.7 का स्क्वायर यहाँ पर ले जाते हैं और उसको 0.0004 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेल्टा आर डैश आपको मिल जाएगा। ये आप कैलकुलेटर की हेल्प लेके कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली अभी यहाँ से लिख रहे हो, दैट विल बी 1.8। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि आर डैश प्लस और माइनस डेल्टा आर डैश, ये हमारा फाइनल आंसर बना। और वो हम लिख सकते हैं 66.7 प्लस और माइनस 1.8 ओम, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे लिख सकते हो, समझ में आया आपको। मैंने पहले क्या किया, यहाँ पर हमें ये आंसर ऐसे फॉर्म में चाहिए, तो पहले मैंने आर डैश की फॉर्मूला से आर डैश फाइंड कर दिया और डेल्टा आर डैश के लिए भी हमें ऑलरेडी ये फॉर्मूला दी हुई है, तो उसका हमें यूज़ करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और उसको बाद में आप लिख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड। यहाँ पर जेड की हमें फॉर्मूला दी हुई है, ए रेस टू 4, बी रेस टू 1/3 बाई सी, डी रेस टू 3/2। देखिए यहाँ पर हमें रिलेटिव एरर चाहिए, दैट मीन्स डेल्टा जेड बाई जेड क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इसकी पावर 4 है, तो हमें लिखना पड़ेगा वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम डेल्टा ए बाई, अब ये दोनों के बीच में प्रोडक्ट का रिलेशन है, तो मतलब क्या आएगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, 1/3 डेल्टा बी बाय बी, ए ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, ये दोनों के बीच में डिवीजन का जो रिलेशन है, तो यहाँ पर सी की पावर 1 ही है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो डेल्टा सी बाय सी, और इसकी पावर है 3/2। आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में सेम ही रूल है कि टोटल जो रिलेटिव एरर है वो सभी की रिलेटिव एरर का आप एडिशन करो, इतनी हम ऑलवेज जो है हमेशा हमें यहाँ पर मिलती है, और पावर जो है उससे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो सिंपली आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू, हमारे पास ये उसकी फॉर्मूला है 2π√L/g। यहाँ पर आपको शायद पता होगा कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का मतलब क्या होता है, कि आपने पेंडुलम का बॉब पकड़ा हुआ है और यहाँ से आप उसको छोड़ देते हो, तो वो ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, तो उसने एक पूरा ऑसिलेशन ख़त्म किया। इतना एक ऑसिलेशन करने के लिए उसने जितना टाइम लगाया उसको उसका टाइम पीरियड हम बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर उसकी ये फॉर्मूला है, एल जो होती है वो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एल होती है, ठीक है, और जी इज एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज 9.8, हम अर्थ की सरफेस पर उसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर दिया है मेजर वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर, नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, वॉट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। यहाँ पर जी में कितनी एक्यूरेसी है वो हमें फाइंड करनी है। देखिए पहले तो आप ये फॉर्मूला इसका स्क्वायर निकालो, तो स्क्वायर हो जाएगा 4π²L/g, तो यहाँ पर जी की एरर चाहिए हमें, तो जी इज इक्वल टू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 4π²L/t², ये हमारी फॉर्मूला बन गई। अब इसमें अगर आप एरर की बात करते हो तो आप लिख सकते हो डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू 4π² इज कॉन्स्टेंट, ओके, तो उसमें तो कोई एरर है नहीं, तो उसको आप नहीं ले लोगे, तो बाकी बचा L/t², तो उसके लिए आप लिख सकते हो डेल्टा L/L, और यहाँ पर 2 पावर है तो 2 आप ऐसे लिखोगे, और ये हमारा आंसर हो गया, उसको हम इक्वेशन 1 लिखते हैं।
अब यहाँ पर हमें कौन कौन से वैल्यूज़ दी हुई है वो आप देखें। देखिए यहाँ पर जो लेंथ है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर आपको दी है, और उसमें जो आपने जो एरर है दैट इज़ 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर मीन्स आप लिख सकते हो 0.1 सेंटीमीटर। ओके, ये चीज़ दी हुई है। सेकेंड थिंग, जो टाइम है उसमें जो एरर है दैट इज़ आपको दी है 1 सेकेंड, दैट मीन्स डेल्टा टी। और एक चीज़ दी हुई है कि 100 ऑसिलेशन ख़त्म करने के लिए उसने 90 सेकंड जितना टाइम लगाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लग रहा है वो आपको दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक ऑसिलेशन के लिए टाइम कैपिटल टी यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर टोटल टाइम दिया है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल टाइम दैट इज़ 90 सेकेंड, उसको मैं स्मॉल टी लिख रही हूँ अभी, कि स्मॉल डी दैट इज टोटल टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, तो ये है 90 सेकेंड। ओके, और सेकेंड और एक चीज़ दी हुई है दैट इज़ डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इतनी चीज़ हमें दी है, लेकिन हमारे पास इक्वेशन में टोटल टाइम नहीं है, यहाँ पर टाइम पीरियड है दैट इज टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन। ओके, एक ऑसिलेशन ख़त्म करने के लिए जो टाइम लगता है वो हमें दिया है। तो इस पर से ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो चीज़ आपको सीखनी है। देखिए आप यहाँ पर अगर ऐसे सोचे तो आपको पता है कि अगर एक ऑसिलेशन ख़त्म करने के लिए आप टाइम काउंट करोगे तो उसको आप बोलते हो टाइम पीरियड दैट इज़ कैपिटल टी। तो अगर उसने टोटल एन जितने ऑसिलेशन किए हैं तो कितना टाइम वो लेगा, दैट इज़ एन इंटू टी, एंड दैट विल बी टोटल टाइम। तो वी कैन राइट टोटल टाइम टी इज इक्वल टू एन टाइम टी। इस पर से ही मैंने लिखा है कि एक ऑसिलेशन के लिए टी टाइम लग रहा है तो टोटल एन ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, और उसको ही हमने टोटल टाइम लिखा है। अब अगर इसको एब्सोल्यूट एरर में लिखना है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी, सॉरी रिलेटिव एरर में लिख सकते हैं डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू एन इज कॉन्स्टेंट, सो वी कैन राइट इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी। इसका मतलब ये हुआ, ये इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बाई टी इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा टी बाई टी, दोनों सेम ही है। तो अब इक्वेशन वन में हम ये काम कर सकते हैं कि डेल्टा टी बाई टी की जगह पर डेल्टा टी बाई टी स्मॉल टी लिख सकते हैं। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन टू वी कैन राइट इक्वेशन वन एज डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस टू टाइम डेल्टा स्मॉल टी बाई टी। इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज आपको पता है, डेल्टा एल दैट इज 0.1, टोटल एल इज 20, देन टू टाइम डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी दैट इज 1 सेकेंड एंड टोटल टाइम इज 90 सेकेंड। तो आपको क्या करना है, इस पर से आपका आंसर आपको ईजिली मिल जाएगा। अभी मैं टेक्स्ट बुक से ही डायरेक्टली लिख रही हूँ जो भी हमें आंसर मिला है। देखिए तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल रहा है 0.027, और इसको आप परसेंटेज में लिख रहे हो दैट मीन्स डेल्टा जी बाई जी इंटू 100%। तो इसको आप परसेंटेज में निकालोगे, मतलब 0.027 मल्टीप्लाई बाय आप 100 करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.7%, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3%। तो इतनी इसमें जो है वो एरर है, आप बोल सकते हो परसेंटेज एरर इन जी। ओके, तो ऐसे आपको अपना जो आंसर है वो फाइंड करना है। तो आज यहाँ तक ही रखते हैं, और यहाँ पर जितने भी आज मैंने एग्जाम्पल्स करवाए तो उसका आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।